यदि आपने देखा हो कि मौसम का कुछ अदली बदली होता जा रहा, जब हम समझते हैं कि गर्मी होनी चाहिए तभी कहाँ से ठंडी हवा आ जाती, जहाँ पर ठंडी होनी चाहिए वहाँ अचानक ही बहुत गर्म मौसम बन जाता, कहाँ पर बहुत समय से पानी नहीं आता और दूसरी तरफ जब पानी आता तो बाढ़ के समान आता। तो ये सब जो प्रकृति की हम देखते हैं उथल पाथल हो रही है, उसका कारण क्या? उसका कारण हम मानव, और हम सभी ने जिस तरह से अपने जीवन को बहुत आराम सुविधाएं संपन्न बना करके रखा है, उसमें भी खास करके जिसको कहते हैं कंज्यूमर सोसाइटी, मटेरियलिस्टिक सोसाइटी, जिसमें हम अपने पास खूब सारा जमा करते जाते हैं, चीज़ें इकट्ठी करते जाते हैं। आप देखेंगे कि आज का प्लास्टिक कितना यूज़ हो रहा, प्लास्टिक से कितना नुकसान हो रहा, चाहे वो सागर तक वो पहुंच जाता है पोल्यूशन, चाहे वो रास्तों पर भी हम देखते हैं कि कितना होता। तो ये सब जो इकट्ठी करके हम बातें देख रहे हैं, उसका कारण कि एक तो कंज्यूमरिज्म, और दूसरा फिर अब जो हमारे जीवन में बहुत सारा आधारित बन गया है तेल, मानो कि पेट्रोल, जिसमें गाड़ियों को चलाना, एरोप्लेन चलाना, अपनी इलेक्ट्रिसिटी चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए, अपना हीटर चलाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, ये सब जो इकट्ठा करके हम देखते हैं, उससे जो धुआं निकलती है, उससे जितना पोल्यूशन हो रहा है, मानो कि यहाँ से थोड़ा ही दूरी तक देख सकते और आगे कुछ नज़र नहीं आता, इतना तक कई कई स्थानों पर पोल्यूशन आ चुका है। तो ये सब बातों को सोच करके यूएन ने 27 वर्षों से लेके क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया है, जिसको कहते हैं कॉप।